जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक जो कि है वेन डायग्राम, जो कि आपके स्टॉक असिस्टेंट और वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्जाम में भी आने वाला है। तो आज ये जो टॉपिक हम इस तरह से करेंगे कि जिंदगी में आपको कभी याद ना भूले और एक ही वीडियो में सब खत्म, ठीक है दोस्तों। अब एक्चुअल में वेन डायग्राम होती क्या है ना, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। तो वेन डायग्राम याद रखना, वेन डायग्राम होती है, इसमें क्या होता है, तीन वर्ड दिए गए होते हैं, उन तीन वर्ड्स का आपस में रिश्ता ढूंढना होता है, ठीक है ना, उनका क्या रिलेशन है वो हमें देखना होता है, और उसी के बेसिस पे आपको चार डायग्राम्स मिलती है। आपको देखना है कि वो डायग्राम कौन सा रिश्ता बना रही है। सर समझ नहीं आया, चलो आगे समझ आएगा, बैठा हूं समझाने के लिए। अब एक वर्ड है, तीन वर्ड ले लेते हैं अपन। एक सबसे पहले लेते हैं अपना जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दूसरा वर्ड ले लेते हैं अपन इंडिया। थर्ड वर्ड ले लेते हैं अपन वर्ल्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे इसका रिश्ता क्या बनेगा। अब एक चीज याद रखना, इनका रिश्ता बताना है तो इसी बेसिस पे हमारे तीन जो है वो बनते हैं, हमारे तीन केसेस बनते हैं, ठीक है ना। या ऑल का बनेगा, या सम का बनेगा, या नो का बनेगा। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्या वर्ड था वो, जे एंड के, इंडिया एंड वर्ल्ड। अब इसमें देखते हैं कि किसका रिश्ता बनता है, ऑल का बनता है, सम का बनता है, कि नो का बनता है। अब ऑल का रिश्ता क्या होता है, अब जब भी तीन वर्ड मिलेंगे तो आपने अपने मन में सोचना है, मन में क्या सोचना है कि इनका आपस में क्या रिश्ता है। कैसे सोचना है देखते हैं। सबसे पहले देखना है, अगर जे एंड के की बात करूं, क्या जे एंड के इंडिया के अंदर आता है? हाँ बिल्कुल आता है। अच्छा, जे एंड के अगर इंडिया के अंदर आता है तो वर्ल्ड के अंदर भी आता है? बिल्कुल आता है। अच्छा, इसी तरह से बात करूं, इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर आता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल आता है। जो हम सोच रहे हैं, और एक चीज याद रखना, जनरल सेंस में सोचना, जनरल सेंस में सोचना। अगर आपने यहां पे मतलब प्रैक्टिकलिटी में चले गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहां पे प्रैक्टिकलिटी में मत जाना। कैसी होती है प्रैक्टिकलिटी मैं बताऊंगा क्या सीन होता है। बच्चे वहां प्रैक्टिकलिटी लगा देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखो, जैसे कि यहां पर क्या बोला, जे एंड के। सर ये रहा जे एंड के, जे एंड के सारा का सारा किसके अंदर है, इंडिया के अंदर है, तो ठीक है मैंने बना दिया। सर सारा का सारा इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर भी तो है? मैं बिल्कुल है। तो इसी तरह से जे एंड के भी वर्ल्ड के अंदर आ गया। बहुत सही, बहुत सही, ठीक है। ये रहा हमारा ऑल का केस। सर इसी तरह से हमारा सम का केस भी बनता है। अब सम के केस में क्या होता है देखो, अब एक वर्ड और ले लेते हैं हम, एक वर्ड ले लेते हैं हम स्टूडेंट, क्रिकेट प्लेयर और हॉकी फैन। अच्छा, अब एक चीज सोचो, फिर से अपने आप से पूछो कि क्या स्टूडेंट जो है क्रिकेट प्लेयर नहीं हो सकता? हाँ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। बट सारे के सारे स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर होंगे? सर पागल हो क्या, सारे के सारे थोड़ी ना क्रिकेट प्लेयर हो। कैसी बातें करते हो सर आप? सर कुछ स्टूडेंट्स जो होंगे क्रिकेट प्लेयर्स होंगे। मैं बिल्कुल सही बात है। अब एक चीज बताओ, कुछ स्टूडेंट्स जो है क्या हॉकी फैन भी होंगे? सर क्यों नहीं होंगे, सारे होंगे? सर नहीं, फिर पागलों वाली बात कर रहे हो आप। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स जो है हॉकी फैन होंगे, ठीक है, बाकी जो हाँ कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा इसी तरह से देखो, सर क्या क्रिकेट प्लेयर जो है कुछ हॉकी फैन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। सर कुछ तो हो सकते हैं, सारे तो नहीं होंगे बट कुछ होंगे। मतलब कि यहां पर सम का केस लग रहा है, तो ये कैसे बनेगा? ये देखो, ये आगे हमारे क्या स्टूडेंट्स। अब कुछ स्टूडेंट्स जो है किसके, क्रिकेट प्लेयर है सर, और कुछ जो है क्या है, हॉकी फैन है। तो इधर देखो सर, सभी का रिश्ता जो है आपस में बन गया। हाँ जी सर, सभी का आपस में रिश्ता बन गया, कि सम का रिश्ता बना यहां पे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है सर। अब यहां पे नो का केस देख लेते हैं। सर नो के लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैं तीन वर्ड दे देता हूं, एक देता हूं आपको, एक ले लो कार, एक ले लो बाइक और एक ले लो साइकिल, ठीक है। तो सर क्या कभी कार जो है साइकिल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती सर। कभी बाइक जो है साइकिल हो सकती है? अंदर से पूछो, खुद से पूछो, अरे नहीं बिल्कुल नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो मतलब इसका क्या होगा सर, कार कभी नहीं हो सकती, बाइक, बाइक कभी साइकिल नहीं हो सकती। मतलब तो तीनों जो है अलग अलग है, तीनों बिल्कुल अलग अलग है। तो इसलिए ये आ गया आपका नो का केस, ये आ गया आपका नो का केस। अब यहां पर प्रैक्टिकलिटी क्या आ सकती थी सर? प्रैक्टिकलिटी में तो आप ये भी बोल सकते हो कि बाइक को मॉडिफिकेशन करके हम कार बना देंगे। अरे नहीं, वो करना जनरल सेंस में सोचना है,
जनरल सेंस में सोचोगे तो क्वेश्चन ठीक होगा, जहां पे आपने प्रैक्टिकलिटी लगाई वहीं पे क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे वेन डायग्राम का। अब वेन डायग्राम बोलने को आसान है बट कभी कभार वेन डायग्राम के क्वेश्चन फंसा देते हैं, तो इसका भी मैं सोल्यूशन बताता हूं। अब ये तीन केसेस समझ लिए, ऑल सम और नो। अब ये तीन जो केसेस है ना ऑल सम और नो के, ये आगे फर्दर डिवाइड है 10 टाइप्स में। जब आपको वर्ड्स दिए होंगे ना उसमें 10 टाइप्स की इमेजेस आ सकती है इस तरह से। अब एक चीज याद रखना, जब भी तीन वर्ड्स होंगे तो 10 टाइप के ही आंसर बन सकते हैं, ठीक है। पर एग्जामिनर 10 तो नहीं देगा बट 4 आंसर देगा आपको, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि 3 वर्ड्स में 10 टाइप्स के आंसर बन सकते हैं, इसके अलावा 11वां आंसर कभी जिंदगी में नहीं बनेगा। वो 10 टाइप्स कौन कौन सी है चलो मैं बताता हूं। देखो सबसे पहली टाइप हम करते हैं, अब ये चीजें नोट कर लेना अगर कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहला वर्ड मैं ले लेता हूं आपका डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, ठीक है। अच्छा अब यहां पे अपने आप से पूछो कि क्या डॉक्टर कभी इंजीनियर हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर कभी इंजीनियर हो सकता है। अब यहां पे प्रैक्टिकलिटी वाले बहुत आएंगे, सर डॉक्टर क्या पता डॉक्टर की डिग्री या इंजीनियर के बाद उसने डॉक्टर, अरे मत करना मत सोचना, या कि सर इंजीनियरिंग के बाद उसने BA LLB करी है तो वो लॉयर भी तो हुआ इंजीनियर भी, मत करना। प्रैक्टिकलिटी में जाओगे क्वेश्चन गलत करके आओगे। यहां पे प्रोफेशन की बात हो रही है, जनरल सेंस में सोचो, क्या कभी डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, सर कभी नहीं बन सकता। क्या इंजीनियर कभी लॉयर बन सकता है, सर नहीं बन सकता है। ये तीनों अलग अलग प्रोफेशन है, तो यहां पे केस आ गया किसका, नो का। किसका केस आ गया, नो का केस आ गया, ठीक है। सर आपने 3 पढ़ाए तो थे, अरे ऑल के अंदर भी कुछ केसेस होते हैं, सम के अंदर भी कुछ केसेस और होते हैं, नो के अंदर भी कुछ और होते हैं, तो वही चीजें समझेंगे हम आगे। पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा क्या हो सकता है देखो जरा, दूसरा देखते हैं हम। कल हमने ये क्वेश्चन डाला भी था, फूड वेजिटेबल्स और कैरेट। अब यहां पे सोचो अपने आप से, खुद से सोचो कि क्या जो फूड है वो सारा का सारा, सर देखो इधर पता है क्या समझ आ रहा है क्या, सर जितनी भी कैरेट्स होती हैं वो आएंगी तो वेजिटेबल्स के अंदर ही ना, सब्जियां ही तो है वो, मैं बिल्कुल सही बात है। और सर जितनी भी सब्जियां हैं वो है तो फूड आइटम्स ही ना, फूड ही तो है, मैं बिल्कुल सही बात है। तो इसका किस तरह से बनेगा, सर देखो ये रही हमारी कैरेट, सर कैरेट सारी की सारी जो है किसके अंदर आ जाएंगी, वेजिटेबल्स के, मैं बिल्कुल सही। सर सारा का सारा वेजिटेबल्स जो है ना ये सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा, फूड के अंदर आ जाएगा, यही तो हमसे पूछा है, मैं बिल्कुल सही बात है। जो तीसरी देखते, जो तीसरा आंसर आपका बन सकता है जो आपको ऑप्शंस में आएगा वो देख लेते हैं। 3 के लिए क्या बोल रहे हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, टेबल, चेयर, फर्नीचर। अब यहां भी मेरे जैसे कुछ बुद्धिजीवी आएंगे जो गलत करके जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनका पता क्या कहेंगे, उनके दिमाग में फर्नीचर का मतलब पता है क्या, लकड़ी की आइटम फर्नीचर, लकड़ी की आइटम फर्नीचर, बट फर्नीचर का मतलब कुछ और होता है। फर्नीचर का मतलब होता है चेयर, टेबल, वार्डरोब वगैरह, इसको फर्नीचर कहा जाता है, जो हमारे रोजमर्रा के काम में जरूरत होती है, जो हमें जीने के लिए जो हमारी मूवेबल प्रॉपर्टीज होती है, चीजें होती है, उसको हम फर्नीचर कहते हैं, ठीक है ना। फर्नीचर की डेफिनेशन ये चेक कर लेना, ठीक है। अब इधर कुछ पता क्या बोलेंगे, सर कुछ टेबल फर्नीचर के मतलब की लकड़ी के होते हैं, बाकी जो होते हैं मेटल के भी होते हैं, नहीं, फर्नीचर के अंदर टेबल, चेयर, बेड वगैरह ये चीजें आती है, वो चाहे लकड़ी की हो, चाहे वो प्लास्टिक की हो, चाहे वो मेटल की हो, फर्नीचर के अंदर ही आती है। तो इसका कैसे बनेगा, सर चेयर जो है फर्नीचर के अंदर आएगी, मैं बिल्कुल सही बात है। सर सारे के सारे टेबल्स जो है ये भी फर्नीचर के अंदर आएंगे, मैं बिल्कुल सही। क्या टेबल कभी चेयर बन सकती है, अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, टेबल चेयर कैसे बना दोगे। हाँ अब इधर कुछ और आएंगे प्रैक्टिकलिटी वाले, सर आजकल मॉडर्न चेयर्स भी तो चली है जो टेबल बन जाती है, मत करना, मैं फिर कह रहा हूं प्रैक्टिकलिटी में जाओगे क्वेश्चन गलत करके आओगे। जनरल सेंस में सोचना, जनरल सेंस में सोचोगे तब ठीक होगा। तो इसका क्या बनेगा, ये आ गया सारा का सारा फर्नीचर,
और ये आ गई टेबल, ये आ गई चेयर, ठीक है। अगर आप टेबल चेयर मतलब ऐसे कर दोगे बीच में सम लगा के आ जाओगे कि ऑब्जेक्शन डालोगे कि सर कुछ टेबल जो है चेयर भी तो बन जाती है मॉडर्न तरीके से, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ऑब्जेक्शन जो है सही नहीं जाएगी आपकी, ठीक है, वो ऑब्जेक्शन गलत ही होगी, ठीक है, पर ऐसी ऑब्जेक्शन बनती भी नहीं है, याद रखना, ठीक है दोस्तों। चले आगे, चलो चलो फोर्थ देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं लॉजिकल सोचना, प्रैक्टिकलिटी मत लाना बीच में। अच्छा एक बनाते हैं, फीमेल, अच्छा मदर्स, सिस्टर्स, चलो अब ये बना लेते। चलो सोचो जरा इसके बारे में, ये जो 10 टाइप्स हो रही है ना ऑप्शन की, ये आपके एक तरह से वो भी हो रहा है, कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है, तो अभी जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको पता चलेगा कितनी प्यारी चीज पढ़ चुके हैं हम, ठीक है ना। ये कंसेप्ट जो है बहुत कम पढ़ाते हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूं बट आपको तभी भी, ठीक है सर। मदर्स जो है सारी की सारी फीमेल में आएंगी, मैं बिल्कुल आएंगी सर। सिस्टर भी सारी फीमेल्स में आएंगी, मैं बिल्कुल आएंगी। पर सर एक चीज बताओ, क्या मदर सिस्टर हो सकती है? मैं हाँ हो सकती, कुछ मदर्स जो है सिस्टर हो सकती है ना, कुछ माए जो होंगी बहनें भी तो होंगी, मैं बिल्कुल सही बात है, तो बना लो। ये आ गई सारी की सारी आपकी फीमेल, और अंदर आ गया आपका मदर, और कुछ मदर्स जो है सिस्टर्स हो जाएंगी, ये इस तरह से बनेगी। आप देख रहे हो कि हमारी डायग्राम जो है आगे कैसे फर्दर जो है मतलब कि बढ़ती जा रही है टाइप्स ऑफ, है ना। अब पांचवा कर लेते हैं, फिफ्थ कर लेते हैं। अब फिफ्थ जो आएगा वो किस तरह से आएगा, अच्छा यहां पे लिखते हैं, मेडिकल स्टूडेंट, ठीक है, टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा अब ये भी बताओ जरा लॉजिक इस पे, सर क्या मेडिकल स्टूडेंट जो है टीचर नहीं हो सकता? मैं बिल्कुल हो सकता है, पर सर अभी तो आपने बोला डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, लॉयर नहीं बन सकता, ये कैसे हो गया? हाँ बा यहां पे मेडिकल स्टूडेंट की बात करी जा रही है, मेडिकल स्टूडेंट तो टीचर बन सकते ना। अब अगर मैं अपनी अपने खुद की बात करूं, मैं डिग्री के हिसाब से क्या हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, इस हिसाब से तो मेरे को इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, बट मैं टीचिंग कर रहा हूं, बट मैं टीचर हूं, ठीक है ना। तो इसीलिए मेडिकल स्टूडेंट तैयारी करवा रहा है किसकी, मेडिकल की पढ़ रहा है, बट उसका रीजनिंग अच्छा तो वो रीजनिंग का टीचर बन गया, तो मेडिकल का स्टूडेंट जो है टीचर बन सकता है, बट सारे थोड़ी ना बनेंगे, सम बनेंगे। और सर कुछ टीचर जो मेडिकल स्टूडेंट है क्या उनकी गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते। कुछ मेडिकल स्टूडेंट जो है गवर्नमेंट इंप्लॉय भी तो हो सकते, मैं बिल्कुल हो सकते। सर इसी तरह से जो टीचर्स हैं वो गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। कुछ टीचर जो होंगे वो प्राइवेट पढ़ा रहे होंगे, कुछ जो है सरकारी इंप्लॉय होंगे। तो इस तरह से इसका केस क्या बनेगा, सम वाला, कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो क्या होंगे, टीचर्स होंगे, और कुछ टीचर्स जो है क्या होंगे, गवर्नमेंट इंप्लॉय होंगे। इन तीनों का आपस में सम का रिश्ता बनेगा, इन तीनों का आपस में सम का रिश्ता बनेगा, यही हमारा पांच हो गया। अब पांच और पढ़ेंगे फिर हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो सिक्स टाइप देखते हैं, आ जाओ। सिक्स टाइप क्या बोल रहा है, डॉग्स, पेट्स और कैट्स, बिल्लियां। सर इसका क्या बनेगा, क्या डॉग जो होते हैं कुत्ते होते हैं वो पेट्स हो सकते हैं? हां जी, पर सारे के सारे कुत्ते जो होते हैं पेट्स होते हैं? नहीं सर, सारे के सारे थोड़ी ना पेट्स होते हैं, कुछ पेट्स होते हैं, तो ठीक है। कुछ पेट्स जो होती है कैट होती है, हां जी सर, कुछ कैट्स जो होती है पेट्स होती है, बट बाकी जो होती है वो वाइल्ड भी हो सकती है। क्या कभी जो डॉग है वो कैट हो सकता है? सर कैसी बातें कर रहे हो, कुत्ता कभी बिल्ली थोड़ी ना बन जाएगा, जादू थोड़ी ना चल रहा है यहां पे, मैं बिल्कुल नहीं चल रहा जादू। तो मतलब कि जो पेट है, कुछ पेट जो होंगे कैट होंगे, ठीक है, और कुछ पेट्स जो होंगे क्या होंगे, डॉग होंगे, बट डॉग कभी भी कैट नहीं होंगे। ये आ गया सिक्स टाइप आपकी, ठीक है, चले आगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवंथ देख लेते हैं। यार ऊपर वाला मिटा दे, थोड़ा सा मिटा ही देते हैं, है ना, ये लो, चलो करें। अच्छा सेवंथ क्या बोल रहा है, मेल, फादर, फीमेल, ठीक है। अच्छा तो चलो बना लेते हैं। सर सोचो जरा, जितने भी मेल हैं क्या वो फादर होंगे? अरे नहीं,
जितने भी फादर हैं वो मेल होंगे। मैं बिल्कुल सही बात है, ठीक है, उल्टा नहीं करना सर। जितने भी फादर हैं वो मेल होंगे, मैं बिल्कुल सही बात है। सर क्या फादर फीमेल हो गया? अरे कैसी बातें करते हो सर, क्या मेल फीमेल होगी? बिल्कुल नहीं सर, ये जो है ये टोटली डिफरेंट होगी, तो मतलब ये इनसे अलग हो जाएगी। सारे के सारे फादर जो है वो मेल में आएंगे और जो फीमेल है वो टोटली अलग हो जाएगी। मतलब इधर केस क्या लगा? ऑल और नो का केस लगा। यहां पे सारा सम का और नो का केस लगा था। पीछे आ जाओ तो यहां पे नो का केस लगा, यहां पे ऑल का केस लगा, यहां पे क्या लगा? ऑल और नो नो का केस लगा, है ना। और इधर देखा जाए ऑल और सम का केस लगा और इधर सम का केस लगा। इस तरह से ये बन रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। सेवंथ हो गया, चलो आगे एट्थ पार्ट देखते हैं। आ जाओ एट्थ में क्या दिख रहा है? चलो एक लिख लो, मेल्स फादर टीचर, ठीक है। तो सर सोचो जरा, बोलो जरा कि जितने भी फादर होंगे वो सारे मेल के अंदर आएंगे? मैं बिल्कुल आएंगे। क्या जो फादर है वो टीचर होंगे? सर कुछ फादर जो है टीचर होंगे, सारे तो नहीं होंगे, मैं बिल्कुल सही बात है। सर कुछ मेल्स भी तो टीचर होंगे, मैं बिल्कुल सही बात है। तो ये कैसे बनेगा? देखो सर, सारे के सारे मेल जो है क्या है? फादर है, मैं बिल्कुल सही है, फादर है। पर सर कुछ टीचर जो है मेल भी होंगे और फादर भी होंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा। तो इधर मैं थोड़ा एक अच्छे से बना देता हूं, ये इस तरह से बनेगा, ये ऐसे करके बन जाएगा, है ना। यहां पे केस क्या बन गया सर? यहां पे केस बन गया आपका ऑल का और सम का, ऑल का और सम का केस बन गया। तो चलो आगे, रुक जाओ यार, ये रुक जाओ यहां पे अटक गया, चल जा चल जा, चल पड़ा, ठीक है चलो। अच्छा नाइन्थ देखें जरा, नाइन्थ के बाद देखते हैं, ये आया मेल फादर चिल्ड्रन, अब क्या बोल रहे हैं? सर क्या सारे के सारे मेल जो है वो फादर, जितने भी फादर होंगे वो मेल होंगे? मैं बिल्कुल होंगे, ठीक है सर। सारे फादर चिल, अरे कैसे हो जाएंगे, बाप बच्चा थोड़ी ना बन जाएगा। पर हाँ सर कुछ मेल जो है वो चिल्ड्रन भी तो हो सकते हैं, कुछ बच्चे भी तो मेल होंगे। तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा सर देखो, ये आ गया फादर, ये आ गया मेल, और कुछ मेल जो है क्या हो जाएंगे? चिल्ड्रन हो जाएंगे। तो इधर क्या केस बन गया? इधर बन गया ऑल का और ऑल का, सम का और नो का केस बना यहां पे, ठीक है, ऑल सम और नो का केस। चलो आगे टेंथ पार्ट देखते हैं, दस, दस में देखते हैं, बोल रहा है प्रोफेसर, ठीक है, फादर चिल्ड्रन, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि कुछ सर जो प्रोफेसर है वो फादर हो सकते हैं, कुछ प्रोफेसर जो है फादर होंगे, मैं बिल्कुल होंगे। सर फादर चिल्ड्रन होंगे, अरे कैसे हो जाएंगे सर प्रोफेसर चिल्ड्रन? अरे बच्चा प्रोफेसर कैसे बन सकता है? प्रैक्टिकलिटी मत लाना यहां पे, जनरल वे में बोल रहा हूं। मतलब कि कुछ प्रोफेसर जो होंगे वो क्या होंगे? फादर होंगे, और कुछ जो है चिल्ड्रन जो है इन दोनों में से कुछ नहीं होगा। तो यहां केस क्या बन गया? यहां बन गया सम का और नो का केस बन गया। अब ये हो गए दस, ये जो मैंने करवाए हैं ये आपके आंसर्स हैं, ठीक है, ये आपके आंसर्स हैं जो एग्जामिनर आपको देगा। दस तो नहीं देगा, वो चार देगा, एक वर्ड दे देगा, उसके हिसाब से चार ऑप्शन देगा, तो आपको बताना है कौन सा वाला सही है। बट इन दस के अलावा 11वां ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। इन्हीं 10 में से चार ऑप्शंस आएंगे, इसके अलावा एक भी ऑप्शन अगर आ गया तो मेरे पास आके कमेंट कर देना, सर इसके अलावा आया था, तो जो बोलोगे मैं कर दूंगा, ठीक है। चले आगे, यहां तक आपको समझ आ गया? अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, क्योंकि यहां तक था हमारा कंसेप्ट। अब एक दो चीजें हैं जो मैं लिख देता हूं कि भैया ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ आपको बेसिक समझने से नहीं आएगा, कड़वी चीजें बता रहा हूं बट सही हूं। इसके लिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन क्या पता जीके से डाल दे, क्या पता वो अंग्रेजी से डाल दे, क्या पता वो साइंस से डाल दे, कहीं से भी वो क्वेश्चन डाल सकता है, क्योंकि मतलब का रिश्ता ही बताना, ठीक है, वो कहीं से भी क्वेश्चन डाल सकता है। इसीलिए इस चीजों की प्रैक्टिस करो, वेन डायग्राम की प्रैक्टिस करो। और एक चीज याद रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन एक्सेप्शनल आता है तो फंसाता है, इसलिए प्रैक्टिस करो। और बाकी
ये रहा बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट रहा ये। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है, अभी भी कोई डाउट आता है, तो आप एक काम करना, आप टेलीग्राम पे हमारा डिस्कशन ग्रुप है वहां पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं एक एक रिप्लाई देता हूं कोई भी अगर डाउट हुआ। और बाकी कल हम इस पे एक लाइव सेशन भी लेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, 10 क्वेश्चंस, ठीक है ना, जो हमारा रीजनिंग वाला होता है उसमें कल मैं जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके वेन डायग्राम के लेके आऊंगा, खुद बना के अपनी मर्जी से अच्छे लेवल के, ठीक है। तो चलो अब यहां तक पहुंच गए हो, लेवल अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार अगर अच्छा लग रहा है, और साथ में कमेंट कर देना अगर अच्छा लग रहा हो। तो चलो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, चलो क्वेश्चंस पे। अच्छा ये क्वेश्चंस आएंगे ऐसे, देखो बोल रहा है सेलेक्ट फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव डायग्राम्स, ये जो 4 डायग्राम्स है ना ये 10 में से ही कोई 4 डालेंगे वो। अच्छा किनका रिश्ता बोल रहा है, पिजन का, बर्ड्स का और डॉग्स का। अच्छा पिजन, बर्ड्स और डॉग्स का रिश्ता बोल रहा है, यानी कि कबूतर, पंछी, पक्षी और कुत्ते। अब बताओ क्या पिजन जो है, जितने भी पिजन है वो बर्ड्स के अंदर आएंगे? मैं बिल्कुल आएंगे, मतलब जितने भी पिजन्स होंगे वो सारे किसके अंदर आएंगे, बर्ड्स के अंदर आएंगे। क्या बर्ड्स कुत्ते हैं सर? कैसी बातें कर रहे हो, बर्ड्स कुत्ते कैसे बन जाएंगे? क्या कुत्ते पिजन है सर? नहीं है, कुत्ते जो है बिल्कुल अलग चल रहे हैं, तो इस तरह से ये बनेगा, है ना, ये पिजन आ गए, ये बर्ड आ गए, ये डॉग्स आ गए। पर ऐसी इमेज आपको कहां दिख रही है, ये केस कौन सा बना, ये बना आपका ऑल का, ऑल का, ऑल का और नो का केस बना। तो ये कहां दिख रहा है सर? ए ऑप्शन दिख रहा है, यही हमारा आंसर है। बिल्कुल बेसिक चीज है यार ये, बिल्कुल बेसिक, बड़े मजे से हो जाएगा, अब तो आपसे अच्छे से हो रहा होगा। ये रहा पहला, को दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अरे देखना ये क्वेश्चन 2-2 सेकंड में होते हैं, बोल रहे हैं दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। अच्छा एक चीज बताओ, क्या दिल्ली श्रीलंका में आता है, या दिल्ली श्रीलंका बन सकता है, कोई रिश्ता है सर? कभी नहीं बन सकता, कहां दिल्ली कहां श्रीलंका, अलग अलग है, ठीक है ना, एक अलग स्टेट है, एक स्टेट है, एक देश है और एशिया। पर सर इधर एक चीज देखो, क्या जो दिल्ली है वो एशिया के अंदर आता है? मैं बिल्कुल, सारा का सारा। और श्रीलंका भी एशिया के अंदर आता है? मैं बिल्कुल। मतलब सर ये ऐसे भी तो बन सकता है, एशिया के अंदर सारा का सारा श्रीलंका और सारा का सारा जो है दिल्ली एशिया के अंदर आएगा, तो इस तरह की इमेज कहां दिख रही है? ये बना सर केस ऑल का और नो का केस बना, ठीक है ना, ऑल और नो का केस बना, तो ये आएगा सर 5th वाली डायग्राम दिख रही है, यही हमारा आंसर होगा। यही तो पूछा है, यही तो हमें बताना है। मैं बिल्कुल सही बात है। चलो आगे सर, मेल्स, फादर्स, ह्यूमन बींग्स। सर क्या जितने भी फादर्स हैं वो मेल होंगे कि नहीं होंगे? मैं बिल्कुल होंगे, सारे के सारे फादर जो है मेल होंगे। मैं बिल्कुल ठीक है, मतलब फादर जो है सारे के सारे मेल होंगे। मैं बिल्कुल ठीक है सर, सारे के सारे मेल जो है ह्यूमन बींग होंगे। अरे बिल्कुल होंगे, सारे के सारे जो मेल है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर आएंगे, तो ये इस तरह से बन जाएगा। और इसी तरह से देखो, ह्यूमन बींग के अंदर मेल भी आ गया, फादर भी आ गया, ये सारा का सारा किसका केस लगा, ऑल का केस लगा, तो सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, सेकंड आंसर, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। चले आगे, चलो अगले क्वेश्चन पे। अच्छा अब बोल रहा कंप्यूटर स्किल्ड, कंप्यूटर इलिटरेट इंप्लॉइज। सर क्या कंप्यूटर स्किल्ड कंप्यूटर इलिटरेट हो सकता है? अरे कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें, कभी एक जैसी थोड़ी ना हो सकती है ना, नहीं हो सकती। पर सर क्या इंप्लॉय जो है, जो काम कर रहा है, वो कंप्यूटर इलिटरेट हो सकता है? हाँ कुछ इंप्लॉयज कंप्यूटर इलिटरेट हो सकते हैं ना, क्या पता उनका काम ही कंप्यूटर वाला ना हो। अगर उनका काम ही कंप्यूटर वाला नहीं है तो कंप्यूटर इलिटरेट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ इंप्लॉयज जो होंगे कंप्यूटर स्किल्ड भी तो होंगे, सम का केस लगेगा। मतलब सर कुछ इंप्लॉयज जो है वो क्या होंगे, कंप्यूटर इलिटरेट होंगे, और कुछ इंप्लॉयज जो है कंप्यूटर लिटरेट होंगे। पर कंप्यूटर लिटरेट और कंप्यूटर इलिटरेट जो है कभी भी साथ नहीं हो सकते, तो इधर केस क्या लगा सर, सम का और नो का केस लगा यहां पे, सम और नो का, तो इधर ऐसा कुछ दिख रहा है सर। ये देखो थर्ड ऑप्शन हमें दिख रहा है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर है। मैं बिल्कुल सही बात है, यही तो एग्जामिनर ने पूछा है, और क्या ही चाहिए जिंदगी में। चलो आगे। अच्छा टेबल, वुडन ऑब्जेक्ट, चेयर। अब यहां पे बच्चे करते हैं गलती, अब कुछ मेरे तरह बुद्धिजीवी पता क्या करते हैं सर, देखो
ये है वुडन ऑब्जेक्ट, ये है टेबल, ये है चेयर, बन गया। ये सर फिफ्थ आंसर, गलत करके आ जाओगे। ठीक है, इधर फर्नीचर की बात नहीं हो रही, इधर वुडन ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। एक चीज बताओ, क्या सारे के सारे टेबल वुडन के ही होते हैं? लकड़ी के टेबल नहीं होते क्या? मेटल के टेबल ही होते? इसी तरह से चेयर, टेबल चेयर जो है क्या सिर्फ लकड़ी के होते, मेटल के नहीं होते, प्लास्टिक के नहीं? और कभी टेबल जो है चेयर बन सकता है? सर कभी नहीं बन, प्रैक्टिकलिटी मत लाना सर, मॉडर्न वाले तो बनते हैं, मत करना, ठीक है ना। देखो सर, जितना भी वुडन ऑब्जेक्ट है, कुछ जो है क्या बन सकते हैं, कुछ टेबल बन सकते हैं और कुछ जो है क्या बन सकते हैं, चेयर बन सकते हैं, मैं ठीक है, ये आ गया वुडन। तो सर जो बाकी बचा वो कुछ भी बना दो, ठीक है ना। तो सर ये इस तरह से बनेगा, और टेबल कभी भी चेयर जो है नहीं बन सकते, नो का केस। यहाँ पे केस क्या आ गया सर? सम और नो का। और यहां ऑप्शन कहां दिख रहा है? थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, यही हमारा आंसर है। समझ आ गई? चले अगले क्वेश्चन पे। चलो, डॉक्टर स्मोकर इंडियन। अच्छा सर, क्या डॉक्टर जो है स्मोकर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सारे डॉक्टर स्मोकर होंगे? अरे नहीं यार, कुछ डॉक्टर जो है स्मोकर होंगे, ठीक है। सर क्या डॉक्टर जो है इंडियन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं होंगे? पर सारे डॉक्टर इंडियन हो? नहीं सर, सारे नहीं, सम हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से सर जो स्मोकर है वो इंडियन हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, बट सारे नहीं, सम होंगे। मतलब ये सारा का सारा केस किसका लग गया? सम का। मतलब कुछ डॉक्टर जो है स्मोकर होंगे और कुछ इंडियन डॉक्टर भी होंगे और स्मोकर भी होंगे। तो ये इस तरह से डायग्राम कहां दिख रही है? सेकंड ऑप्शन, यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन बन गया सम का, सम का केस ये बन गया। चलो आगे, पोइट डॉट, अच्छा इसमें मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ, अच्छा पोइट डॉटर फीमेल। सर अब इसमें क्या होगा? सर देखो यहां पे क्या है, जितने भी डॉटर है वो, जितनी भी डॉटर्स हैं वो फीमेल्स के अंदर आएंगे, बिल्कुल सही बात है। सर देखो कुछ पॉइंट जो है फीमेल होंगी, कुछ डॉटर होंगी। अब कुछ बच्चे ऐसे कराएंगे, कौन से बच्चे ऐसे कराएंगे जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि पॉइंट जो है ये क्या होता है? पुलिंग होता है, मतलब मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए पोइटस यूज होता है, फीमेल के लिए पोइटस यूज होता है। तो इस तरह से अगर जो फिफ्थ को टिक करके आएगा वो गलत करके आएगा। तो इसीलिए इसका क्या आना था, देखो जरा, इसका आना था सर कुछ जो पोइट है, जो डॉटर्स हैं वो सारी की सारी फीमेल है और पोइट बिल्कुल अलग चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चले आगे, ये चीजें ध्यान रखना, कंफ्यूज करती है। यहां पे अंग्रेजी की बात हुई, क्या पता वो केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ ले। जब वो केमिस्ट्री से पूछेगा आप तभी कर पाओगे जब आपको थोड़ा सा पता होगा चीजों के बारे में। अगर नॉलेज होगी तभी तो रिलेशन ढूंढ पाओगे। अब मैं एक इधर ऐसा सा वर्ड लेके आ जाऊं जो हमारी वकैब के अंदर घुसा ही नहीं है, जो मुझे वकैब आती ही नहीं है, मैं कैसे क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है ना। चलो आगे, अच्छा क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग डॉक्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट। सर एक चीज तो साफ है कि जितने भी जो डॉक्टर्स होंगे वो ह्यूमन बीइंग होंगे, मैं बिल्कुल, जितने भी पोस्ट ग्रेजुएट कौन होते हैं, इंसान ही तो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, तो वो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग के आएंगे। पर क्या डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट हो सकता है? सर सम ग्रेजुएट्स आर पोस्ट ग्रेजुएट्स आर डॉक्टर, कुछ डॉक्टर जो है पोस्ट ग्रेजुएट होंगे पर सारे नहीं होंगे। तो इसका क्या आएगा सर? ये आएगा ऐसे, ये आ गया ह्यूमन बीइंग, सर ये आ गया डॉक्टर और कुछ डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट, यार ऐसे बनेगा, बट ये तो ऑप्शन में है ही नहीं है। चलो नहीं है तो याद रखना यही बनेगा, यही बनेगा, यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे, हस्बैंड वाइफ सन। अच्छा तो सर हस्बैंड वाइफ हो सकती है? यार कैसे हो सकते, दोनों अपोजिट है। सर कुछ हस्बैंड जो होंगे वो बेटे भी तो होंगे। सर देखा जाए तो कुछ हस्बैंड जो है बेटे भी होंगे, या जितने भी हस्बैंड होंगे वो सारे के सारे बेटे ही होंगे। हाँ जी सर, सारे के सारे बेटे ही होंगे। सर जितने भी हस्बैंड हैं वो सारे के सारे क्या है, सन है, ठीक है ना, बेटे होंगे, किसी ना किसी के तो बेटे होंगे ना हस्बैंड। अगर तो अगर मैं किसी का घरवाला बनता हूं तो मेरा, मैं किसी का बेटा भी तो हूं। सारे के सारे जो सन है वो सारे के सारे हस्बैंड जो है वो सन भी होंगे, और जो वाइफ है वो टोटली डिफरेंट आएगी। तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चले आगे, अच्छा यही तक थे क्वेश्चन। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन और ये था हमारा आज का टॉपिक। तो बताओ भैया वेन डायग्राम समझ आई कि नहीं आई?
हाँ एक चीज याद रखना, अगर मैं मानता हूं कि वेन डायग्राम इतना नहीं है, थोड़ा और भी बढ़ेगा, आपको जो बाकी का वेन डायग्राम वो प्रैक्टिस से आएगा। और बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो भैया हम 24/7 अवेलेबल है। आप टेलीग्राम पे, आप हमारा विजेयर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे डिस्कशन ग्रुप है, वो ज्वाइन करके आप कोई भी क्वेश्चन का हमें स्क्रीनशॉट या दे देना, हम बता देंगे उसी टाइम। और कल हम लाइव करेंगे, किसका अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो कल लाइव आएगा, और उसमें 10 क्वेश्चन हम वेन डायग्राम के डालेंगे ताकि आपकी वेन डायग्राम बिल्कुल अच्छे से हो जाए। तो दोस्तों मेरे को दो इजाजत, तो अगली वीडियो तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, जय हिंद।